तो दोस्त, आज के इस वीडियो में बात करेंगे, अगर आपने किसी कंपनी से ऑफर लेटर एक्सेप्ट कर लिया है, किसी कंपनी से आपने ज्वाइनिंग लेटर एक्सेप्ट कर लिया है और उसके बाद अगर आप ज्वाइन नहीं करते हो, तो उस केस में क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती हैं, क्या वो कोई लीगल एक्शन ले सकते हैं जहाँ पे आप ज्वाइन करने वाले हो, तो उसी के बारे में डिस्कस करेंगे। जब आप किसी कंपनी में इंटरव्यू देते हो, इंटरव्यू देने के बाद आपको ऑफर लेटर रिलीज होता है, तो ये मल्टीपल केस में हो सकता है। हो सकता है आपको ऑफर लेटर मिल गया और आपकी करंट कंपनी ने आपको रोक लिया, इन द सेंस कि आपको अगर 5 लाख से 8 लाख का पैकेज उस कंपनी में मिल रहा था और आपकी करंट कंपनी ने आपको 8 लाख रुपए दे दिए या 8 लाख का पैकेज आपको दे दिए, तो आप सोचोगे नहीं, चलो मैं ठीक है, मैं इसी में रुक जाता हूँ। एंड सेकेंड वे क्या होता है कि जब आपको किसी कंपनी से ऑफर लेटर मिल जाता है, एक ऑफर लेटर आपके पास आ गया, आपके पास नोटिस पीरियड का 60 डेज है, 30 डेज है, हो सकता है 90 डेज है, तो क्या करते हैं हम लोग कि दूसरी दूसरी कंपनी में इंटरव्यू देते रहते हैं, तो करंट वाला ऑफर लेटर दिखा के किसी दूसरी कंपनी से ज़्यादा एक्सपेक्टेशन वहाँ पे रखते हैं। मान लो आपका 8 लाख वहाँ पे मिल रहा था, जब आपको ऑफर लेटर मिलता है, आपको ज्वाइनिंग लेटर मिलता है, वॉट एवर डॉक्यूमेंट्स आपको कंपनी ने दिया हुआ है, आप अपना ऑफर लेटर पढ़ के देख लेना, वहाँ पे कंपनी ने कहीं भी ये मेंशन नहीं किया होगा कि आपको ऑफर लेटर मिल गया तो आपको ज्वाइन करना ही करना है, नहीं तो हम कोई लीगल एक्शन कर देंगे। ज्वाइनिंग लेटर भी मिल गया, इवन आपने कंपनी में 1, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन आपने बिता भी लिया है, आपने वहाँ पे जाके प्रेजेंटी भी लगा दी है, तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। आप कभी भी कंपनी को कभी भी छोड़ सकते हो बिफोर सिक्स मंथ। मैं क्यों बोल रहा हूँ कि 6 महीने के पहले आप छोड़ोगे तो आपको एक्सपीरियंस लेटर की नीड नहीं होगी। जब 6 महीने से ज़्यादा हो जाता है तब आप ये सोचते हैं, नहीं यार मेरा एक्सपीरियंस बेकार होगा, ये सारी चीज़ें, तो उस केस में आप चाहो तो थोड़ा सा और टाइम दे के 1-1.5 साल बाद निकल सकते हो। बट ऑफर लेटर अगर आपको मिल गया है तब भी छोड़ सकते हो, ज्वाइनिंग लेटर मिल गया है तब भी छोड़ सकते हो, और ज्वाइनिंग लेटर मिलने के बाद अगर 1 हफ्ते, 2 हफ्ते, 3 हफ्ते आपने काम किया है, तो अगर आप फिर छोड़ना चाहते हो तो आपको एक चीज़ की वहाँ पे केयर करनी पड़ेगी कि जब आप किसी कंपनी को ज्वाइन कर लेते हो, वहाँ पे आपका पीएफ पासबुक क्रिएट हो जाता है। आप पीएफ के पोर्टल पे जाओगे, वहाँ पे उस कंपनी का पासबुक शो करेगा, तो इन फ्यूचर कभी आप छोड़ोगे या किसी कंपनी में जाओगे तो वो पासबुक भी आपका क्रिएट रहेगा, तो आपको ये सोचना पड़ेगा कि मुझे इस पासबुक से तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, किसी दूसरी कंपनी में जाऊंगा। अगर आप वो पॉइंट को स्किप कर सकते हो और उस पासबुक से कोई प्रॉब्लम अगर आपको नहीं है, तो आप कंपनी को कभी भी किसी भी कंडीशन में छोड़ सकते हो। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मेरा नाम है शुभम, मैं मिलता हूं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव अ ग्रेट मोमेंट एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर।